हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो एक साउथ इंडियन डिश है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं आलू, जिन्हें मैंने कर लिया है स्मॉल साइज में कट। अब एक बोल में ऐड कर लेते हैं 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। अब ऐड करते हैं पानी 4 टेबल स्पून और अच्छे से कर लेते हैं इसको मिक्स। सॉल्ट 1 टीस्पून ते आलूओं को मिक्सचर में जो हमने कॉर्न स्टार्च और मैदा का बनाया था। अब कर लेते हैं इसको फ्राई। इसको हम फ्राई करेंगे हाई टू लो फ्लेम पर। सबसे पहले आलूओं को डाल देते हैं हाई फ्लेम पर और बाद में इसको हम लो फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एज यू कैन सी अच्छा कलर आ गया है। सो अब हम इसको लेते हैं निकाल। बहुत आराम से निकालना है जिससे कि एक्सेस ऑयल बिल्कुल भी ना आए। ग्रेवी के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल और अब डालती हूँ हींग। अब ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून जीरा। कड़ी पत्ता और 1 लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून धनिया। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। अब डालते हैं दही 4 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पर दही कम यूज़ किया है क्योंकि मुझे जूसी पसंद नहीं है ये डिश। अगर आपको जूसी पसंद है और आप ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहते हैं तो आप कर्ड ज़्यादा डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब कर देते हैं इसको अच्छे से मिक्स। फाइनली ऐड करते हैं आलू। तो यहाँ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर विद सॉल्ट। मेरी वीडियो करप्ट हो गई थी, दैट्स व्हाई आई कांट शो। अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। मैंने इसको यहाँ पे गार्निश किया है हरे धनिए से। सो इस डिश को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसको एज अ सब्जी और अ स्नैक दोनों तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड For more such videos, stay connected.